हाय दोस्तों, आज की मूवी का नाम है स्टॉकर स्प्रे, जो 2017 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की फरमाइश की थी नव्या मिश्रा ने। तो नव्या, एंजॉय योर मूवी। सैंडी दो बेटियों की सिंगल मॉम है। रात में वो अपनी बेटी क्लोई को बेड पर चेक करने आती है और तभी उसकी नजर बाहर खड़ी कार पर पड़ती है, जहां उसकी बड़ी बेटी लॉरा निक नाम के एक शर्टलेस हंक के साथ कार में इंटीमेट हो रही है। और अपनी मॉम को देखकर वो अपने कपड़े ठीक करती है और कार से बाहर आ जाती है और एक हफ्ते के लिए उसकी मॉम उसका घर से निकलना बंद कर देती है। लेकिन उसका बर्थडे होता है, इसलिए वो चुपके से घर से निकल जाती है अपनी फ्रेंड ब्रे के साथ। लॉरा ब्रे के साथ समुद्र पर जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। ब्रे बोट पर एक क्यूट शर्टलेस हंक को देखती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो अपने दोस्त पार्कर के पास जाते हैं और लॉरा को बर्थडे बोट पार्टी देकर सरप्राइज देते हैं। लेकिन लॉरा और निक ही बोट पर जाते हैं। निक का गलती से स्विमिंग करते वक्त पैर कट जाता है। लॉरा भी उसके साथ स्विमिंग करने लगती है। निक का पैर कटने की वजह से शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो दोनों शार्क से बचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ शर्टलेस हंग, जिसने अब शर्ट पहन ली है, लॉरा को शार्क से बचाता है। निक इतना लकी नहीं होता और वो मर जाता है। लॉरा को बचाने की वजह से ब्रूस रातों रात स्टार बन जाता है और न्यूज की हेडलाइंस पर छा जाता है। लॉरा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है क्योंकि शार्क ने उसकी पतली कमर में काट लिया था। अगले दिन शर्टलेस हंग लॉरा को फोन चुरा लेता है और फिर हॉस्पिटल में लॉरा से मिलने जाता है और उसको सोते हुए देखता है। ब्रूस के डैड एक पॉलिटिशियन है। सैंडी लॉरा को ब्रूस के साथ मिलने जुलने की परमिशन दे देती है। उसकी नजर में ब्रूस एक अच्छा लड़का है। जब लॉरा ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, ब्रूस उसके घर जाता है। वो उसे अपने डैड के लिए एक फैंसी पार्टी में इनवाइट करता है और उसे एक पेंडेंट भी देता है और बाद में वो उसे एक ब्लू कलर की ड्रेस भी गिफ्ट करता है। वो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। पार्टी में उसे सब ब्रूस की गर्लफ्रेंड समझते हैं। वो ब्रूस से क्लियर करती है कि वो उसे डेट नहीं करना चाहती। वो माफी मांगता है और उसे अपने पेरेंट्स की खातिर थोड़ी देर के लिए उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। फिर वो उसे एक पूल के पास ले जाता है और उसे एले करके बुलाता है। एले जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो साथ में स्विमिंग करते हैं और एक साथ किस करते हैं। और ब्रूस की हॉट बॉडी को देखने के बाद लॉरा उसके साथ सो जाती है। फिर वो उसे एले नाम की एक गर्लफ्रेंड से बात करते हुए सुनती है। अगले दिन जब ब्रूस लॉरा के लिए फूल लाता है, तो वो उसे कहती है कि उसे कुछ स्पेस चाहिए क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही चिपको हो रहा था और वो डेट के लिए भी तैयार नहीं है। ब्रूस को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसके सामने शो नहीं करता। ब्रूस के पूरे कमरे में उसके न्यूज की क्लिपिंग है और वो बार बार आईने में प्रेस से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपनी कार में चिल्लाता है और स्टीयरिंग व्हील को पीटता है। फिर एली का वॉइस मेल सुनता है और हमें पता चलता है कि एली ब्रूस से ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए ब्रूस पगला जाता है और एली को मार डालता है। उसका मिशन उस शार्क को पकड़ना है जिसने लॉरा पर हमला किया था। लॉरा वापस स्कूल जाती है और ये देखकर हैरान होती है कि ब्रूस उसका इंग्लिश टीचर है। दरअसल ब्रूस ने इंग्लिश टीचर को सीढ़ी से धक्का देकर इंजर्ड कर दिया होता है और उस टीचर के बदले ब्रूस को पढ़ाने को कहा जाता है। पार्कर और ब्रूस क्लास में भिड़ जाते हैं और पार्कर को डिटेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। जब पार्कर वॉशरूम में होता है, ब्रूस उसे बल्ले से पीट देता है और उसका पर्स भी चोरी कर लेता है। पार्कर बच जाता है और ब्रूस की घड़ी से उस हमलावर ब्रूस को पहचान लेता है। जब वो ब्रूस के पास जाता है, तो ब्रूस पार्कर से कहता है कि अगली बार वो जीवित रहने के लिए इतना लकी नहीं होगा। लॉरा और ब्रे पार्कर के बारे में सुनकर टेंशन में आ जाते हैं और ब्रूस के बारे में शक करने लगते हैं। लॉरा को उससे दूरी बनाए रखने में मुश्किल होती है क्योंकि वो स्कूल के बाद उसकी बहन की बेबी सिटिंग शुरू कर देता है। ब्रे और लॉरा की ब्रूस को लेकर फाइट हो जाती है और ये बात ब्रूस को पता चल जाती है। जॉगिंग करते समय ब्रे एक कार से टकरा जाती है। लॉरा फिर से सैंडी के साथ बहस करती है। सैंडी को नहीं लगता कि ब्रूस एक खलनायक है और लॉरा के जीवन में घटने वाली बुरी चीजों के लिए वो जिम्मेदार है। लॉरा और पार्कर ब्रूस की एक्स गर्लफ्रेंड एलिसन को ट्रैक करने का फैसला करते हैं। एलिसन की बहन उन्हें बताती है कि एलिसन की 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और एलिसन की शक्ल बिल्कुल लॉरा से मिलती है और ब्रूस दरअसल एलिसन के पुराने वॉइस मैसेजेस को सुनकर अपना उल्लू काट रहा था। लॉरा ब्रूस को बताती है कि वो जानती है कि एलिसन मर चुकी है और वो एक दीवार पर घूंसा मारता है। ब्रूस लॉरा को बताता है कि उसने लॉरा की जान बचाई है, इसलिए अब से वो उसकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। वो उसे उसके साथ डेट पर जाने के लिए मजबूर करता है, किसी कारण से वो जाती भी है। लॉरा ऐसा बिहेव करती है जैसे वो उसके साथ है। वहाँ पीछे से पार्कर ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है, इस सबूत के साथ कि ब्रूस ने ब्री पर हमला किया था। ब्रूस को पता चल जाता है
ब्रूस पार्कर की हत्या कर देता है। जब लॉरा अपने दोस्त की कार देखती है तो वो उससे मिलने के लिए दौड़ती है। तभी ब्रूस घर में घुस जाता है। वो लॉरा को गुलाब देता है। लॉरा उसके पैर में छुरा घोंपकर उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। ब्रूस उसे वीक करने के लिए उसकी कमर को पकड़ लेता है जहां शार्क के काटने की वजह से घाव है। उसे अपनी कार के डिक्की में फेंक देता है और उसे अपनी बोट पर लाकर बांध देता है। बोट पर ब्रूस शार्क को उलबाने के लिए पानी में खाना फेंकता है और बात करता है कि एलिसन कितनी अच्छी थी। लॉरा किसी तरह कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अंदर वो खुद का एक पुतला पाती है जिसे ब्रूस ने एलिसन की तरह दिखने के लिए बनाया है और उसने सेम ड्रेस उस पुतले को पहनाई थी। लॉरा के पास अब भी वही पेंडेंट है जो ब्रूस ने उसे दिया था और उसे पानी में फेंकने की धमकी देती है। एलिसन की ये आखिरी निशानी ब्रूस के पास है और वो इसे पाने के लिए पानी में छलांग लगाता है। इस दौरान शार्क उस पर हमला कर देती है। लॉरा सुरक्षित पानी से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। सैंडी अपनी बेटी के पास आती है और बहस करने के लिए माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो नव्या, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।